मेरा नाम निसार अहमद है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं 4 साल से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। मैंने अभी 2 नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। जब निसार मेरे पास आया था तो मैंने इसका ट्रायल लिया तो मुझे लगा इसमें बहुत अच्छी स्पीड और स्ट्रेंथ है और ये बच्चा आगे काफ़ी कुछ देश का नाम रोशन कर सकता है और हमें ओलंपिक एशियन में मेडल दिला सकता है। सुनीता मैम सबसे पहले उन्होंने डाइट का, दूध का सब कुछ किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ये बीच में बहुत हतोत्साहित हो जाता था कि बहुत डिप्रेस हो जाता था कि मैडम मैं स्पोर्ट्स छोड़ रहा हूँ, तो मैं इससे पूछती थी क्या हुआ। मैं इसे वर्कआउट देती थी तो ये कर नहीं पाता था, थक जाता था, तो मैं पूछती थी क्या रीज़न है। घर में भी खर्चा देखना था, पापा मम्मी का भी, हर एक चीज़ का, तो फिर मैं इतना कर नहीं पा रहा था, इतना हो नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा मैम को मुझे कोई जॉब लगवा दो। मेरे को अपने घर ले गया, वहाँ मैंने देखा कि ये झुग्गी में रहता है और एक कमरे में भाई बहन और इसके मदर फादर रहते हैं। मैं जो है ये 28 साल से मैं रिक्शा चला रहा हूँ, हमारे बस में अब रहा नहीं अब रिक्शा चलाना, क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ, मेरी पत्नी भी बीमार रहती है, फिर भी काम करते रहते हैं हम। उसका पैर नहीं सही है, मेरा भी पैर नहीं सही है, फिर भी मैं कोठी में काम करती हूँ। छोटा सा कमरा है हमारा, फिर भी हम 4 लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। बार बार ट्रेन आती है तो घर हमारा हिलता है। मुझे मिलने चाहिए रेस्ट प्रॉपर, वो नहीं मिल पाता। बाहर रेलवे ट्रैक है जिस वजह से इतनी शोर होता है, तो मैं सो नहीं पाता अच्छा, मतलब रेस्ट नहीं मिल पाता, अच्छी डाइट नहीं मिल पाती प्रॉपर। मैं क्या बताऊँ बेटा, मैं अपने तन का कपड़ा नहीं लेती थी, ईद आता था, बकरीद जाता था, मुहर्रम आता था, मैं इसके लिए भी नहीं लेती थी, अपने लिए भी नहीं लेती थी, क्योंकि पैसे नहीं बचता। बस मेरा यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है, चाहे मैं जीऊँ चाहे मर जाऊँ, पर मेरे बच्चे को जो कुछ नाम करवा देना, बस बच्चा आगे बढ़ जाए। रिकॉर्ड ब्रेक किया है अंडर 16 में, तो मैं अंडर 19, अंडर 20 इन सब में नेशनल रिकॉर्ड और सब में ब्रेक करूं और एशियन रिकॉर्ड बनाऊं, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूं 100 मीटर में और 200 मीटर में, कि ताकि मैं अपने इंडिया का वापस फ्लैग सबको दिखा सकूं।